पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में राष्ट्रपति आगमन को लेकर वीवीआईपी सुरक्षा ड्यूटी के संबंध में ब्रीफिंग की गई। ब्रीफिंग में मुख्य रूप से एडीजी सुरक्षा विजय कुमार, एडीजी जोन गोरखपुर दावा शेरपा, आईजी रेंज जय नारायण सिंह, मंडलायुक्त अमित गुप्ता, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता व सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित प्रशासनिक अधिकारी सहित वीवीआईपी ड्यूटी में लगाए गए अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी सुरक्षा विजय कुमार ने बताया कि महामहिम राष्ट्रपति के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। एयरपोर्ट से लेकर सर्किट हाउस और गोरखनाथ मंदिर रूट पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। एडीजी सुरक्षा विजय कुमार ने कहा, महाद्वीप में तो जाम लगा हुआ है, डायरेक्ट चले हैं, चला जाए अंदर। अन्य प्रशासनिक अधिकारीगण, मेरे पुलिस के सहयोगी जवान बाहर के और यहाँ पर फोटो खींच रहे, लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है, तो अपने आसपास के इलाकों को अच्छे से समझ लें। पानी के लिए वो डिफिकल्ट हो जाता, वो नहीं होना चाहिए था। और तीसरा चीज है, ताकि दो दिन का मोटा मोटा ड्यूटी रहेगा, परसों का बता रहा हूँ, मल्टीपल विजिट के लिए संभव है। जीवीआई का माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, राज्यपाल महोदय का भी, और महामहिम उनका भी, जो गवर्नर साहब का भी। अगले दिन यानी जो 10 तारीख को 11:30 बजे यानी तो राष्ट्रपति महोदय का सर्किट हाउस से लेके यहाँ लोग लेके आएंगे जो कार्यक्रम स्थल पर गोरखनाथ मंदिर में, वहाँ समोसा 9:30 बजे पहुँचने के लिए है। 9:15 बजे पर निकलेंगे, 9:30 बजे तक वहाँ मंदिर पहुँच जाएंगे। कार्यक्रम 11 बजे तक चलेगा। 11 बजे के बाद तीनों वीवीआईपी उठे वहाँ से सीधे एयरपोर्ट चलने के लिए मैम बन। उसी हिसाब से फ्लिट तो बहुत लंबी फ्लिट हो जाता है, समय भी लग जाता है। 11:30 बजे वहाँ टेक ऑफ टाइम, उसी के हिसाब से 11 बजे यहाँ से मंदिर से निकलेंगे समोसा। उसी के हिसाब से तो पहले प्रेसिडेंट साहब को तो फ्लिट चलेगा, संभवतः साथ साथ उस पर राजपाल महोदय जी भी जाएंगे, बट उनका फ्लीट उसके पीछे लग जाता है। तो टेल एंड पे फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का गाड़ी रहेगा, उसका फ्लीट जाएगा। राजपाल महोदय और महामहिम गवर्नर साहब दोनों लोग आगमन हो जाएंगे दिल्ली के लिए। तो यहाँ से जो खासतौर पर मंदिर से लेके तो सीधे एयरपोर्ट थोड़ा लंबा पड़ता है, यानी तो 10-15 किलोमीटर पड़ता है एक्सप्रेस, इसी का तो लंबा फ्लीट लेके जाना पड़ता है। हमें राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, उनके आने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। अभी ब्रीफिंग होगी, फिर रिहर्सल होगी, उसके बाद डी ब्रीफिंग होगी और समुचित व्यवस्था रहेगी। और उनका जो भी प्रोग्राम है, पहले मंदिर जाएंगे, पहले आके सर्किट हाउस में रुकेंगे, फिर अगले दिन मंदिर का भ्रमण करेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। उसकी अच्छी व्यवस्था है, सभी अधिकारियों को उसके संबंध में निर्देश दिए जा रहे हैं। थैंक यू।